हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पे अपनी स्टडी करेंगे, यूनिट नंबर 3 की स्टडी करेंगे। इससे पहले आपके 2 ऑलरेडी यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले यूनिट में स्टडी किया था वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। सेकेंड यूनिट में आपने स्टडी किया था सोर्सेज के बारे में, और सोर्सेज को भी दोनों सोर्स को आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि कौन कौन से आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं। आपके पास सरफेस सोर्स हो सकता है और दूसरा सब सरफेस सोर्स हो सकता है। यहां पे जो हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 में, वो पढ़ेंगे हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में अगर हम जाने हैं तो यहां से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर पूछता है, और 70-80% चांसेस है कि इस पार्ट से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। यहां पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपके पास 3 टाइप के होते हैं। पहला है फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये WQ क्या है भाई? वाटर क्वालिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप WQ, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर इसको WQ भी लिख के आपको देता है। सेकंड रहता है केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, और लास्ट रहता है बायोलॉजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अगर मैं बात करता हूं यहां पे फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये ऐसे पैरामीटर होते हैं जो वाटर के फिजिकली नेचर को चेंज करते हैं। क्लियर है? केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर होते हैं जो वाटर के केमिकली नेचर को चेंज करते हैं। क्लियर है? बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं जो उसके बायोलॉजिकली नेचर को चेंज करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे कुछ आपके पास ऐसे भी होते हैं कि जो आपके पास फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं। क्लियर है? फिजिकली में जैसे कि आप उनको अपनी ज्ञान इंद्रियों से डिटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। क्लियर है? मतलब हमारे जो सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, तो आंखों से मैं क्या देख सकता हूं कि सर उसका कलर देख सकता हूं, उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स देख सकता हूं। तो कलर क्या है आपके पास? फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, अभी मैं लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, आगे बताऊंगा। फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में कलर क्या है आपके पास? फिजिकली है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसको आप देख सकते हैं, कैसी नेचर का है? फिजिकली नेचर का है। थर्ड आता है आपके, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट मतलब पानी को पियोगे तो उसका टेस्ट बता सकते हो कि सर वो कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ठीक है। एंड ऑर्डर, उसको सूंघ सकते हैं कि सर उसमें किस तरह की स्मेल है, बैड ऑर्डर है, किस तरह का। क्लियर है? उसके बाद आता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब उसको आप टच कर सकते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है। क्लियर है? दीज आर द फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। बट केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। क्लियर है? यानी कि उनको आप देख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना खाना खा रहे हैं, यानी कि जब तक वो थाली में था तब तक तो हमें पता था कि इसके अंदर भोजन है, बट जैसे ही सर हमने उसको मुंह में डाला और वो खाना पूरा हमारे पेट के अंदर चला गया, तो हमें ये प्रोसेस नहीं मालूम होता कि डाइजेशन में क्या क्या हो रहा है। यानी कि हमारे जो अंदर वाला इंटरनल पार्ट है, हमें नहीं पता है कि इंटरनल क्या हो रहा है। तो दीज आर द केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। एंड नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जो बायोलॉजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे इफेक्ट कर रहा है आपके वाटर को। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आपके पास कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे और कुछ यहाँ पे आपके पास पैथोजेंस भी होंगे। पैथोजेंस कौन से होते हैं? पैथोजेंस आपके पास हार्मफुल कॉजिंग डिसीज बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। अगर वो आपके वाटर में प्रेजेंट भी रहे तो हमारे लिए क्या रहेंगे? वो हार्मफुल रहेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है, क्या सर आपके पास सारे ही बैक्टीरिया हार्मफुल रहते हैं? जी नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है पैथोजेंस। पैथोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको 100% कॉज क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो आपने बता दिया कि सर फिजिकली होगे, केमिकली होगे, बायोलॉजिकली होगे, बट कुछ कॉमन ऐसे भी होंगे जो आपके पास फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं। ये कैसे सर? यहां देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉमन साल्ट है। क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? कॉमन साल्ट है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अभी ये साल्ट है,
जब हम इसको किसके अंदर डालोगे, अभी साल्ट है, जब इसके अंदर हम इसको पानी में डालोगे, पानी में इसको घोल दोगे तो क्या हो जाएगा ये, अभी पानी में साल्ट आपको दिख रहा है, साल्ट का कलर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कलर से इमेज कर सकते हैं कि व्हाइट कलर का है सर, बट जैसे ही सर ये पानी में डाल गया तो ये डिजोल्व हो गया, क्या हो गया आपके पास, डिजोल्व हो गया, और किसमें प्रोड्यूस हो गया, डिजोल्व होने के बाद ये आयन में डिसोसिएट हो गया। तो सिंपल सा मतलब है सर, जब हमने इसको देखा था पहले कॉमन साल्ट को, तो कलर किस तरह का नेचर था, फिजिकली नेचर था, कैसा नेचर था आपके पास, फिजिकली नेचर था, बट जब सर पानी में डिजोल्व हुआ और आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया तो इसका नेचर कैसा हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है। तो आपसे ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि जो आपके पास कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वो कैसे नेचर का, वो फिजिकली नेचर का भी होता है और केमिकल नेचर का भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन, उसके बाद आता है एक आयरन भी आता है। तो आयरन क्या है, ये जो आयरन होता है ये हमें कलर इम्पार्ट्स करता है। तो सबसे पहले सर ये हमें कलर भी इम्पार्ट्स करता है, ठीक है, और दूसरा ये कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करता है ये सर, थर्ड आता है सर, ये कुछ बैक्टीरिया को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग भी है सर, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग भी है। तो अब देखिएगा, कलर है आयरन हमें इम्पार्ट, मतलब कौन सा कलर देता है, रेड, तो कलर कौन सी हुई आपके पास, फिजिकली हुई, ठीक है। जब ये पानी में घुलता है तो कोरोसिव नेचर हमें देता है, तो ये कैसा हुआ, केमिकली भी हुआ, ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग करता है तो ये कौन सा हुआ आपके पास, बायोलॉजिकली भी हुआ, बायोलॉजिकल भी हुआ। तो यहां से आपको एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि सर जब आपका ये कॉमन साल्ट है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकली भी और केमिकली भी, बट जो सर आयरन होता है उसके अंदर फिजिकली भी होती है, केमिकली भी होती है, और आपके पास बायोलॉजिकली भी होती है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम कभी कभी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जिस कोड के हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे वो कोड रहेगा आपके पास IS, क्योंकि कोड भी तो पता होना चाहिए, IS 10500 is 1991, बट अब इसका रिवाइज हो चुका है, और रिवाइज होगा कब हुआ ये, 2012 में, तो IS 10500 is 2012, That is 2012 में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां कहां इसके चेंजिंग आए हैं, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, कौन सा कोड है सर ये। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि सर जो हमारे पास ये फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है और मेरे पास ये केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, और सर ये, सर यहां पे हम स्टडी क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई, पूरी केमिस्ट्री है तो ये केमिस्ट्री ही है एक प्रकार से आपके पास, पूरी केमिस्ट्री हम यहां नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो एग्जामिनर आपको पूछता है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, इसके अंदर सोर्स के बारे में जानना है, पहला है आपको सोर्स के बारे में जानना है कि उसके सर सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद सर हमें इसके इंपैक्ट के बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है, इंपैक्ट के बारे में जानना है। इंपैक्ट के बाद हमें क्या देखना है, ये सोर्स और इंपैक्ट, और थर्ड रहेगा आपके पास मेजरमेंट, कौन सा रहेगा, मेजरमेंट, यानी कि आपको तीन चीजें टर्म डिवाइड करनी है कि सोर्स क्या है सर इसका, प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका, और मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट में भी आप फर्दर कितनी चीजों की स्टडी करेंगे ये देखिएगा, मेजरमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर कि सर इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट के बाद हम यहां पे स्टडी करेंगे कि सर यहां पे कौन सी टेक्निक का यूज किया जा रहा है, कौन सी टेक्निक का यूज किया जा रहा है, और टेक्निक के बाद देखेंगे सर यहां पे कौन से इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और डिवाइस के बाद लास्ट आप देखेंगे कि सर इसकी लिमिट क्या है, कि सर इसकी अकॉर्डिंग टू कोड के हिसाब हम, बाकी तो ये चलो ये पढ़ लेंगे, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, बट जो हम लिमिट की स्टडी करेंगे तो लिमिट की स्टडी हम कहां से करेंगे, IS 10500 1991 से या IS 10500 2012 से करेंगे।
क्लियर है? तो हम इतनी सारे डाटा यहां पे कवर करने जाएंगे डियर, क्लियर है? तो इसको आप कैप्चर कर दीजिएगा, ठीक है? और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कोड, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के कोड भी पूछा जाता है, क्लियर है? अब यहां पे नेक्स्ट चीज प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये जो सर लिमिट होती है, यहां पे दो टाइप की लिमिट रहती है, एक लिमिट और लिमिट रहती है जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, यानी कि आप उस लिमिट तक के पानी को पी सकते हैं, एक लिमिट और रहने वाली है दूसरी लिमिट कि जिस पानी को अगर आप पियोगे तो शायद ही आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, ठीक है? बट अगर सर उन दोनों लिमिट के मध्य नजर रखते हुए रखा, इन दोनों के बीच में रहा, तो कहीं ना कहीं वो आप पानी पी सकते हैं, हम वहां कह सकते हैं कि वो आपके लिए 100% हार्मफुल नहीं है। देखिएगा कैसे, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास लिमिट दो टाइप की होती है, लिमिट कितने टाइप की होती है भाई? सर दो टाइप की, दो लिमिट की बात करेंगे हम यहां पे कोडिंग। तो पहली लिमिट होती है आपके पास, फर्स्ट यूनिट रहती है एक्सेप्टेबल लिमिट, कौन सी? एक्सेप्टेबल यूनिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, और दूसरी रहती है कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन, क्लियर है? ये दोनों की बात करेंगे अब यहां पे वन बाय वन हम, पहले रहेगी आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट और दूसरी रहेगी कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट, ठीक है? पहली है एक्सेप्टेबल लिमिट और दूसरी है कॉज फॉर रिजेक्शन। अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेबल लिमिट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मान लेते हैं इसका है आपके पास यहां पे आ रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल लिमिट मान के चलते हैं हम, कितनी है हमारे पास? 10 ppm, कितनी है? 10 ppm है, ठीक है? एंड कॉज फॉर रिजेक्शन आपके पास मान लेते हैं 20 ppm है, कितनी है? 20 ppm, इसको मैं 5 ppm लिख देता हूं और एक की 15 ppm लिख देता हूं, अभी एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है? और इसको दे दिया मैंने 20 ppm। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो भी आप वाटर की क्वालिटी को चेक करोगे और वाटर की क्वालिटी में आपके पास लिमिट आया 5 ppm, तो इसका मतलब वो आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट आई 5 ppm। तो इस 5 ppm का मतलब क्या है कि इस वाटर में आपके पास कोई भी हार्मफुल डिसीज बैक्टीरिया नहीं है, इस पानी को आप पी सकते हो, ठीक है? इट इज, ये क्या है आपके पास? नो हार्मफुल, कोई भी आपके लिए कोई भी खतरा नहीं, अगर आप इस पानी को पी सकते हैं, नो हार्मफुल। अगर इस लिमिट में अगर आपके वाटर की क्वालिटी आई तो आप उस पानी को पी सकते हो, आपके लिए हार्मफुल नहीं है, दैट इज हार्मफुल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर अगर वो 20 ppm रही है, अगर वो एक्सीड कर जाती है 20 ppm से, अगर वो एक्सीड कर जाती है 20 ppm से, तो आपके लिए वो क्या है? 100% हार्मफुल है, 100% हार्मफुल है, यानी कि उसका हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं, ठीक है? ये नो हार्मफुल है। मैंने क्या बताया कि सर लिमिट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट और दूसरी कॉज फॉर रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल लिमिट वो लिमिट होती है जो आपको किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाती, आप उस पानी को यूज कर सकते हैं और यहां पे किसी भी प्रकार के हमें ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है। अगर सर कॉज फॉर रिजेक्शन अगर 20 ppm है, अगर कॉज फॉर रिजेक्शन इस लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो वो आपके लिए क्या रहेगी? 100% हार्मफुल रहेगी, यानी कि हमें उसका क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर सर आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन के बीच में अगर कुछ वैल्यू रही, अगर यहां पे देखिएगा अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अगर सर ये वैल्यू मेरे पास एक्सेप्टेबल एंड कॉज फॉर रिजेक्शन के मध्य रही, इनके बीच में रही, और इनके बीच में मान लेते हैं हमारे पास कितनी रही है, मान लेके चलता हूं मैं 5-10 ppm रही है, कितनी रही है? 10 ppm रही है। तो 10 ppm का मतलब क्या है? इसका मतलब है यह है कि इसमें हम कह नहीं सकते कि आपके पास ये 100% हार्मफुल है, यानी कि आप इसका यूज कर सकते हैं, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि सर ये आपके पास 100% हार्मफुल है, यानी कि यहां पे चांसेस हो सकते हैं ये मे बी हार्मफुल और नॉट बी हार्मफुल, ये मे बी हार्मफुल भी हो सकती है
बट नॉट बी हार्मफुल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटे से पॉइंट्स थे जो शायद ही आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको स्टडी करना है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपने पहले पैरामीटर्स की। और पहला पैरामीटर है आपके पास फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ऐसे पैरामीटर विच डिटेक्ट द आईज, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं आईज के थ्रू, मतलब आंखों के जरिए आप देख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं विच डिटेक्टेड द आवर सेंसेस, अपनी ज्ञान इंद्रियों से। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है भाई? Those parameters which detected our senses, is known as फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर। यहीं पे लिख देता हूं पैरामीटर्स। ठीक है, छोटा लिख दिया, ठीक है बड़ा लिख देते हैं भाई। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, कि ऐसे पैरामीटर जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं अवर सेंसेस के थ्रू, इज नोन एज फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जिनको आप ज्ञान इंद्रियों के जरिए, जैसे आपके पास हो गया, जैसे अब हम देख लेते हैं यहां पे भाई, तो कुछ हो गया, रुको, डेफिनेशन होगी उसके बाद देख लेते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या क्या, अब कौन कौन से हो सकते हैं सर ये पैरामीटर? तो ये पैरामीटर आपके पास हो सकते हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से आ सकते हैं सर इसमें? पहला आ सकता है टेस्ट एंड ऑर्डर, पहला हो गया है टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट मतलब जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर मतलब जिसको आप सूंघ सकते हैं। क्लियर है, पहला पैरामीटर एंड दूसरा पैरामीटर हो गया आपका कलर क्या है आप देख सकते हैं, और तीसरा हो गया आपका टेम्परेचर मीन्स आप उसको मतलब टच कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, टेम्परेचर। एंड फोर्थ हो गया उसके पास सस्पेंडेड सॉलिड भी क्या है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपके पास टर्बिडिटी। वैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आता है, वो भी इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, बट आप उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया एंड टर्बिडिटी हो गया। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पे किसके बारे में, इतने तो सारे हो गए हैं, अब देखते हैं हम पहले टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में, तो यहां पे मैं फिर हेडिंग डाल रहा हूं टेस्ट एंड ऑर्डर। पहला है आपका टेस्ट, मतलब जिसको आप टेस्ट करके बता सकते हैं, एंड ऑर्डर मतलब जिसको आप सूंघ सकते हैं कि उसका कैसा स्मेल है, अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है, बुरी स्मेल है, वो आप पे डिपेंड है। क्लियर है, टेस्ट एंड ऑर्डर। अब हम टेस्ट एंड ऑर्डर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनके सोर्स के बारे में कि सर इसके सोर्स क्या क्या है। तो देखते हैं सोर्स, तो यहां पे हम एडिंग डालते हैं सर इसके सोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला सोर्स क्या रहता है आपके पास टेस्ट एंड ऑर्डर का, तो सोर्स है इसके बाद जैसे आपका डिजोल्व साल्ट हो गया, डिजोल्व गैसेस हो गया, पहला है डिजोल्व साल्ट। डिजोल्व साल्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हो गया डिजोल्व गैसेस होगी, और उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये भी लिख देते हैं हम यहां पे,
प्रेजेंस ऑफ एल्गाई एंड बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ एल्गाई एंड बैक्टीरिया। Presence of algae and bacteria, algae, bacteria etc. Algae हो गया, आपके पास bacteria हो गया etc. Clear है? ये बात ध्यान रखना आपके पास कि कौन कौन से test and order के कौन कौन से source हो सकते हैं सर? Source हो सकता है आपके पास जैसे dissolved salts में कौन से हो गए? डिजॉल्व साल्ट्स में हो गया आपका जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब किसकी फॉर्म में होंगे? क्लोराइड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये जैसे हो सकते हैं आपका NaCl, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, MgCl हो गया, और आपके पास तीसरा हो गया एल्युमिनियम भी हो सकता है, सब क्लोराइड फॉर्म में होगा, एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ठीक है। तो आपको ये सब इसकी फॉर्म में मिल सकते हैं, किसकी फॉर्म में मिल सकते हैं भाई? आपको क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे ये। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, टू पॉजिटिव एंड टू पॉजिटिव, क्लियर है। और सब किसकी फॉर्म में होंगे ये सर? क्लोराइड की फॉर्म में होंगे, क्लियर है। उसके बाद डिजोल्व गैसेज, डिजोल्व गैसेज में आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? डिजोल्व गैसेज में हो सकते हैं सर जैसे आपके पास CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपके पास मीथेन हो गया CH4 हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S हो गया, अमोनिया हो गया NH3, यानी कि इस फॉर्म में आपके पास हो गए। तो ये भी सब क्या करते हैं आपके पास? कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर, सॉरी आपके टेस्ट एंड ऑर्डर को इंपार्ट करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया भी क्या हो गए आपके पास? सोर्सेज हो गए। तो अब देखते हैं सर इनका इंपैक्ट क्या है। अगर मैं यहां पे देखूं, बड़े ध्यान दीजिएगा कि CO2, अगर आपके पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहा तो आपको क्या देता है इट, ये क्या करता है आपको? इट इंपार्ट्स कोरोसिव नेचर, आपके पानी को कड़वा कर देता है, ठीक है, उसका टेस्ट, तो टेस्ट आ गया मतलब पानी को कड़वा कर दिया। CH4, मीथेन क्या होता है? ये वहां पे होता है जहां पे आपका दलदला क्षेत्र होता है, तो हमें किस तरह की स्मेल देता है? ये मार्शी स्मेल देता है, ठीक है, मार्शी स्मेल। तो स्मेल क्या है आपके पास? एक प्रकार का ऑर्डर है। उसके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आपको किस तरह की स्मेल देता है? एक सड़े हुए अंडे की स्मेल देता है, तो ठीक ऑर्डर आ गया। उसी तरह से सर अमोनिया, अमोनिया क्या देता है आपको? एक पंजर स्मेल देता है, पंजर स्मेल, जैसे आपके पब्लिक टॉयलेट और देखे होंगे तो पब्लिक टॉयलेट में कभी कभी क्या होता है कि वहां पे प्रॉपर वाटरिंग नहीं दी जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है, तो वहां से आपको एक पंजर स्मेल देखने को मिलती है, क्लियर है। और दूसरा, अब सर ये क्लोराइड्स क्या करते हैं? जो आपके पास ये क्लोराइड्स होते हैं, ये क्लोराइड्स आपके क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, कि जो भी आपके पास ये कंबाइंड है, ये जो जितने भी मैंने आपके पास ये कंपाउंड बताए हैं, ये एलिमेंट्स बताए, ये एलिमेंट्स क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कभी कभी एक कार्सियोजेनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। और ये कार्सियोजेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, क्लियर है। तो ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इम्पैक्ट के बारे में। पहला इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके पास कि सर कार्बन डाइऑक्साइड इम्पार्ट, CO2 imparts हमें किस तरह का कलर देता है, सॉरी क्या करता है? imparts to corrosive nature, corrosive nature of the water, of the water, पानी को कैसा कर देता है? कड़वा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मीथेन CH4, CH4 क्या करता है हम? it imparts marshy smell, किस तरह की स्मेल देता है? मार्शी स्मेल इन दी वाटर, इन दी वाटर, क्लियर है। उसी तरह से अमोनिया NH3, अमोनिया क्या देता है हमें? पंजर्ड स्मेल देता है, इट इंपार्ट्स पंजर्ड स्मेल, पंजर्ड स्मेल इन दी वाटर, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इंपार्ट्स हमें क्या करता है? इट इंपार्ट्स रोटन एग स्मेल, रोटन एग स्मेल इन द वाटर, क्लियर है।
उसी प्रकार से नेक्स्ट कि व्हेन क्लोरीन इन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, नेक्स्ट ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, थर्ड क्लोरीन Cl2 इज रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, कि कुछ और कंपाउंड्स भी होंगे, ठीक है आपके पास, अदर कंपाउंड्स कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, टू प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब सर ये क्या होता है कार्सिनोजेनिक, क्या होता है कार्सिनोजेनिक, होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, कार्सिनोजेनिक होता है आपके पास क्लियर है। तो ये क्या लिख दिया हमने सारे के सारे यहां पे, ये पॉइंट्स बना के आपको लिख दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको इंपार्ट्स करता है कोरोसिव नेचर ऑफ द वाटर, CH4 देता है आपको मार्शी स्मेल इन द वाटर, एंड अमोनिया देता है पंजर स्मेल इन द वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड देता है आपको, इट इंपार्ट्स रोटेन एग स्मेल इन द वाटर, क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है अदर कंपाउंड के साथ तो टू प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं आपके पास, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं, क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई होगी। आइए अब आगे बात करते हैं सर इसकी मेजरमेंट की, ठीक है। तो मेजरमेंट में मैंने आपको पहले बताया था कि मेजरमेंट में हम इसकी यूनिट देखने वाले हैं, तो इसकी यूनिट क्या रहने वाली है टेस्ट एंड ऑर्डर की, इसकी यूनिट रहती है आपके पास टॉन, यूनिट क्या रहेगी इसकी टॉन, दैट इज टॉन, इसकी यूनिट रहेगी टॉन, TON मतलब थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थोड़ा सा इसको वही सीधा लिख लेते हैं, टॉन इज टी स्टैंड फॉर थ्रेशोल्ड O stand for order, N stand for number, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम टॉन के अंदर। तो सर जो ये टॉन है और इसकी टेक्निक का नाम क्या है, इसकी टेक्निक का नाम है डाइल्यूशन टेक्निक, टेक्निक भी पूछी जाती है डाइल्यूशन टेक्निक, इसकी टेक्निक है दैट इज डाइल्यूशन टेक्निक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, कभी कभी भी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि टॉन क्या होता है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है, नाम लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं डाइल्यूशन टेक्निक। सर इसको डाइल्यूशन टेक्निक हम कैसे बोलते हैं, टॉन आप कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहां पे टॉन का फॉर्मूला, टॉन क्या होता है आपके पास थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, यहां पे हम बात कर रहे हैं टॉन की, तो दैट इज टॉन निकलता है फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफी बारी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब कैसे सर ये, अब मान लेते हैं आपके पास एक कोई सैंपल है, एक सैंपल लिया आपने, ए टेस्ट सैंपल, ये कौन सा सैंपल है भाई आपके पास, टेस्ट सैंपल लिया, और एक सैंपल लिया आपने प्योर वाटर का, एक तो टेस्ट सैंपल लिया और दूसरा लिया आपने प्योर वाटर का, या डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं, ये लिया आपने, मान लेते हैं ये आपके पास कोई टेस्ट सैंपल है और ये आपके पास कोई प्योर वाटर, और ये है आपके पास टेस्ट सैंपल, ये टेस्ट सैंपल का आपके पास इनिशियल वॉल्यूम वी लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल,
और ये है आपके पास दूसरे का जिसको मैं नाम देता हूं ए, ठीक है। और ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर क्या हो गया आपके पास, दैट इज बी। तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, अभी देखिएगा, अभी मैं समझाता हूं आप इसको कि कैसे हुआ ये। फाइनल वॉल्यूम आ गया आपके पास कुछ इस तरह से, पहले मुझे बनाने दीजिएगा फिर मैं आपको इसको समझाता हूं, दैट इज फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं, ये आपका कहीं ना कहीं डाइल्यूशन टेक्निक से बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, डाइल्यूशन टेक्निक पे बेस्ड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपका ये टेस्ट सैंपल लिया, ये टेस्ट सैंपल वो टेस्ट सैंपल है जिसमें ना तो अच्छा टेस्ट है और ना ही उसके अंदर बैड ऑर्डर है। कैसा है ये टेस्ट सैंपल, सर बैड ऑर्डर टेस्ट एंड ऑर्डर वाला है। कैसा है, टेस्ट एंड ऑर्डर वाला है, ना तो इसके अंदर अच्छी टेस्ट है ना ही इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, एक मैंने प्योर वाटर लिया, मैं फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे दो सैंपल्स है, ये दो सैंपल है, एक मेरे पास ये मतलब वो वाला सैंपल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बदबू है और वो ये पीने के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरा मेरे पास बिल्कुल क्लीन वाटर है। तो मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, तो डाइल्यूशन टेक्निक के अंदर हम पानी को इसमें ऐड करते रहेंगे। मैंने इसमें पानी ऐड किया, मतलब मान लेते आपने इसमें 100 ml का पानी, लीटर, ये मेरे पास 1 liter का सैंपल था, टेस्ट सैंपल 1 liter का था, मैंने क्या किया इसमें 100 ml का पानी डाला प्योर वाटर, उसको देखा सर अभी भी स्मेल है, और उसमें ऐड करता गया, लगा अभी भी और है, और किया सर थोड़ा रह गया है, यानी कि मैं उसको तब तक ऐड करता जाऊंगा जब तक इसकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए। जैसे ही जब मैं पानी को ऐड करता गया कि सर मैंने 100 ml गया तब भी सर उसकी स्मेल गायब नहीं हुई, 200 ml का पानी गया तब भी उसकी स्मेल गायब नहीं हुई, सर 300 ml गया, यानी कि जहां पे उसकी स्मेल गायब हो जाएगी उस रीडिंग को मैं नोट कर लूंगा कि कितना वाटर रिक्वायर्ड हुआ मुझे इसको पूरा, इसको फ्री टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए, इसको फ्री टेस्ट एंड ऑर्डर बनाने के लिए मुझे कितना पानी की रिक्वायरमेंट लगी प्योर वाटर की, उस रीडिंग को मैं नोट कर दूंगा। तो यही लिखा मैंने, फाइनल वॉल्यूम क्या है आपके पास, फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास ए प्लस बी, ये मान लेते हैं ये बी है तो फाइनल वॉल्यूम क्या जाएगा आपके पास, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, टेस्ट सैंपल मतलब वो गंदा पानी है, बी मतलब प्योर वाटर लिया, डिवाइडेड बाय ए इनिशियल वॉल्यूम, क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरह से हमने इसको मेजरमेंट की है, कुछ नहीं किया भाई, एक आपने गंदा पानी उठाया और दूसरा आपने पूरा डिस्टिल्ड वाटर उठाया, डिस्टिल्ड वाटर को आप उसमें तब तक ऐड करते गए जब तक उसकी पूरी तरह से स्मेल गायब ना हो गई, ठीक है। जैसे ही उसकी स्मेल गायब होगी आपने वो रीडिंग नोट कर लिया है, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन टेक्निक, क्लियर है। अब आता है सर डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, कि सर इसका डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, तो इसका डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑस्मोस्कोप, क्या नाम है, ऑस्मोस्कोप। तो यहां पे इसके डिवाइस के नाम लिख देते हैं हम, दैट इज ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोस्कोप एक डिवाइस है, ये डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। अब जो आज के दिन में यूज किया जाता है, ये पुराने जमाने में यूज करते थे लोग, आज के जमाने में जो यूज करते हैं ऑस्मोस्कोप है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती है कि जो आपके पास ऑस्मोस्कोप जो होता है, ऑस्मोस्कोप इज ग्रेजुएटेड विद पीओ वैल्यू 0.25। ये जो इसकी जो वैल्यूज रहती है वो कितने के रेंज पे रहती है, ऑर्डर की 0.25, पीओ मतलब ऑर्डर, ठीक है। पावर ऑफ ऑर्डर वैल्यू रहती है 0.25। पावर ऑफ ऑर्डर वैल्यू अगर 0 रही तो नो प्रेसिपिटेबल ऑर्डर, तो वहां पे आपके पास वो क्या है, नो फ्री, कोई भी स्मेल नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर सर 1 हुआ तो इसका मतलब है वेरी फेंट ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी फेंट ऑर्डर। अगर सर 2 हुई है, पावर ऑफ ऑर्डर 2 हुआ है तो फेंट ऑर्डर, अगर पावर ऑफ ऑर्डर 3 हुआ तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर, अगर पावर ऑफ ऑर्डर 4 हुआ तो स्ट्रांग ऑर्डर, अगर पावर ऑफ ऑर्डर 5 हुआ तो वेरी स्ट्रांग ऑर्डर, मतलब बहुत गंदी स्मेल हो गई, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या रहती है, अब ये देखिएगा, इसकी जो लिमिट रहनी चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट रहनी चाहिए 1 टन,
इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी रहनी चाहिए, 1 टन रहनी चाहिए, ठीक है। और इसकी कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहनी चाहिए, 3 टन रहनी चाहिए। ये किसके मुताबिक है भाई, ये लिमिट मैं दिखा रहा हूं बार बार, IS 10500 is 2012 के मुताबिक है ये सारी, ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट 1 टन एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 3 टन। एक्सेप्टेबल 1 टन का मतलब क्या है, क्यों फ्री फ्रॉम द स्मेल है, ठीक है, आपने ये मान के चलना है यहां पे। अब यहां पे देखिएगा कि सर ये फाइनल वॉल्यूम a प्लस बी, जब b आपके पास जीरो होगा, b मतलब जीरो, मतलब जब तक आप उसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं करेंगे। ये मेरे पास कैसा था, टेस्ट सैंपल था, जब तक मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, मानो कि पहले से ही बेटर है, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम कब आएगा, 1 तभी आएगा आपके पास जब आपके पास वहां पे नो डिस्टर्ब्ड वाटर इज एडेड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 1 टन का मतलब क्या हुआ है कि आपने वहां पे कोई भी डिस्टर्ब्ड वाटर ऐड ही नहीं किया है, इट इज फ्री फ्रॉम स्मेल एंड ऑडर। 1 टन का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इट इज फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। अगर ये क्या होगा, तो अगर इट इज मोर देन 3 टन, अगर ये 3 टन होगा तो इट इंपार्ट्स बेड टेस्ट एंड ऑर्डर, बेड टेस्ट एंड ऑर्डर। और ये तो आप जान ही गए हो कि 3 के बाद डिस्टिंक्ट ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इट इंपायर बेड टेस्ट एंड ऑर्डर। अगर सर 1 और 3 के बीच में रहा, तो इस वाटर को आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आप पे डिपेंड है, ठीक है। बट अगर 3 टन से ज्यादा हो गया तो ये हमें क्या करेगा, एक बेड टेस्ट और ऑर्डर को इंपार्ट करेगा, जिससे हमें इस पानी का क्या करना पड़ेगा, ट्रीटेड करना पड़ेगा। तो इस वाटर को हम क्या करेंगे, ट्रीटेड द वाटर। इस कंडीशन में आपको वाटर को क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरह की कंडीशंस भी हमारे पास यहां पे सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास कलर, ठीक है। सेकंड है कलर इज आल्सो ए फिजिकल पैरामीटर्स, और ये फिजिकल पैरामीटर कैसा है, जिसको आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो देखिएगा कलर आपके पास 2 टाइप के कलर होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं सर, ये ध्यान दीजिएगा। एक होता है सर ट्रू कलर, और एक होता है आपके पास इम्पार्ट कलर, ठीक है। एक होता है सर हमारे पास ट्रू कलर, और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज एपरेंट कलर होता है, ठीक है। जो ट्रू कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई, ये ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड, याद रखना है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है। और एपरेंट कलर किसकी वजह से होता है, ये आपके पास ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये आपका डिजॉल्व सॉलिड की वजह से होता है ट्रू कलर, और एपरेंट कलर आपके पास किसकी वजह से होता है, डिजॉल्व सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड। ये सर ट्रू कलर कौन से होते हैं, ट्रू कलर आपके पास वो कलर होते हैं जिनका यूज आप अपने खाने वाले कलर जितने भी होते हैं, होली वाले कलर्स, होली कलर हो गया एंड फूड कलर हो गया। यानी कि ट्रू कलर में कौन कौन से कलर आते हैं सर आपके पास, होली कलर हो गया और आपके पास फूड कलर हो गया, ठीक है, फूड कलर हो गया। ये किसके अंदर आते हैं, आपके ट्रू कलर के अंदर आते हैं, ठीक है। एपरेंट कलर को हम इमेजिनरी कलर भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से भी होते हैं, ठीक है। अब सर सोर्स क्या क्या रहेगा हमारे पास भाई, तो आधा सोर्स तो हमें यही मिल गया, एक हो सकता है सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके सोर्स हो सकते हैं सर, एक तो डिजॉल्व सॉलिड हो सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड इसका हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। और कुछ हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि वेजिटेबल फूड्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर ही आपके काउंट हो गए हैं,
ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहले हमने देखा कलर्स, टाइप्स ऑफ कलर क्या होते हैं और सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ कलर में आपके पास दो कलर होते हैं, ट्रू कलर, अपेरेंट कलर, खाने वाले कलर जो होते हैं आपके पास, और होली वाले कलर होते हैं। वो किस तरह के कलर होते हैं आपके पास? ट्रू कलर होते हैं। अपेरेंट कलर आपके पास एक प्रकार के एक इमेजिनरी कलर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। बट यहां पे याद रखना कि आफ्टर सस्पेंडिंग मैटर कॉजिंग, कि जो आपके सस्पेंडेड मैटर की वजह से जो भी आपके पास कलर होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगन एक्शन। सेंट्रीफ्यूगन एक्शंस में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट वाटर की डेंसिटी ली जाती है, जिस कलर का वाटर होगा उसकी डेंसिटी को आप क्या करते हो, चेक करते हो। ठीक है, इसका प्रोसेस ही इतना बड़ा ध्यान नहीं रखना, बस इसको मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। नोट पॉइंट क्या है, After the causing of suspended solid, after the suspended matter after the suspended matter suspended matter to the suspended matter causing color, causing color is removed by centrifugation process। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपने। काफी बारी पूछा जाता है कि आफ्टर द सस्पेंडेड मैटर, कि जो भी इन सस्पेंडेड मैटर की वजह से या सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आपका कलर प्रोड्यूस होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं, किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। द कलर इज ऑब्टेन्ड, जो भी आपको कलर मिलेगा, द कलर इज ऑब्टेन्ड, इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज ट्रू कलर। The color is obtained is true color। तो जो आपको वहां पे कलर मिलेगा वो कैसा कलर मिलेगा? ट्रू कलर मिलेगा। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इन सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से जो भी कलर आ रहा है अगर आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दोगे तो आपको कौन सा कलर मिल जाएगा? आपको ट्रू कलर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला है कि जो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड आपको किस तरह का कलर इंपार्ट करता है? ह्यूमिक एसिड, या तो आप इंपैक्ट में लिख सकते हैं, हां यहां लिख देते हैं। पहला पॉइंट, ह्यूमिक एसिड इंपार्ट येलोइश कलर, पूछे जाते हैं कभी कभी ये छोटे छोटे एग्जामों में, तभी मैं लिखा रहा हूं। ह्यूमिक एसिड इंपार्ट्स येलोइश कलर, कैसा कलर देते हैं? ये येलोइश कलर देते हैं आपके वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद रहता है आयरन इंपार्ट्स किस तरह का कलर देता है हमें भाई? इंपार्ट्स इन द रेडिश कलर, ये हमें रेडिश कलर देता है। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीज ऑक्साइड आपको किस तरह का कलर देगा भाई? मैग्नीज ऑक्साइड जो आपको कलर देगा, ब्लैकिश एंड ब्राउन कलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहता है एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन होते हैं। ठीक है, जिनमें बेंजीन रिंग कंसिस्ट होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स also leads to different color। ठीक है, ये सारे लिख दिया है। नेक्स्ट, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के।
एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एरोमेटिक मतलब जिनमें बेंजीन कंसिस्ट होता है, बेंजीन रिंग। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं ये सर? आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और आपके पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स इज वेरी हार्मफुल, इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास? हार्मफुल होते हैं। क्लियर है? अब सर ये इंपैक्ट्स है, अगर इन सभी का क्या होगा आपके पास? अगर ये होगा, ठीक है, ये हमें एक प्रकार से कोई मतलब कलर उसे आपके लिए हम मतलब उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट ये हमारा एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट करता है। कैसे? कि जब आप पानी को देखोगे सर, उसका पानी लाल है, पीला है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस पानी को हमें नहीं पीना चाहिए। तो ये हमें क्या कर सकता है? इट प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी लिख सकते हैं आप, इट प्रोड्यूस्ड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं और क्या हो सकता है सर? कलर, और देखिएगा अगर आप इसी कलर वाटर को आप जैसे ड्राइंग पर्पस के लिए यूज करेंगे तो आप वहां पे अच्छे से डाई वगैरह का जो कलर वाटर के साथ आप डाई यूज करते हैं तो आपका प्रॉपरली वहां पे वर्क नहीं कर पाएंगे। और जो कलर वाटर है जैसे आपका पेपर इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, तो वहां पे आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, द कलर वाटर प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ, द कलर वाटर, कलर वाटर प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ, प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहां पे ये चीजें आपको पता लगी कि कलर से आपके पास क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं। पहला इंपैक्ट है अगर ह्यूमिक एसिड इंपार्ट करता है येलोइश कलर, आयरन इंपार्ट करता है आपके पास रेडिश कलर, मैग्नीज ऑक्साइड इंपार्ट करता है आपके पास ब्लैकिश एंड ब्राउन कलर। इंपार्ट लिखना भूल गए हम पर, तो लिख देते हैं इंपार्ट। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो लीड्स टू डिफरेंट कलर। अब जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें आपका बेंजीन रिंग कंसिस्ट होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है सर, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इज अ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं अगर आपके पानी में प्रेजेंट हुए। इट प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद द कलर वाटर प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसका इफेक्ट कहां पे पड़ता है? कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है प्रोडक्ट बनाने वाली, जैसे डाइंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री होगी, जैसे यहां पे होगी डाइंग इंडस्ट्री होगी, पेपर इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगी, ये इफेक्ट क्रिएट करेगी। और कभी कभी जो आपके पास यहां पे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये वेरी हार्मफुल होते हैं, और यही जब यहां पे लिख देता हूं मैं, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक कार्सियोजेनिक कंपाउंड ये भी बनाते हैं। भाई क्या बनाते हैं? ये भी एक कार्सियोजेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि सर एरोमेटिक
एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास किन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं? कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और जब इनकी सर फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं? कैंसर प्रोड्यूसिंग, जिससे आपका क्या होगा? कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है? उसी तरह से कभी कभी आपका जब फिनॉल यहां पे पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये भी ध्यान रखना कि जब सर फिनॉल प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी हमें क्या देता है? डिफरेंट कलर देता है। ये भी क्या देता है हमें सर? डिफरेंट कलर देता है, ठीक है? तो इतनी ज्यादा बातें आपको देखना है और सारी कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ये आई है डियर। ऐसा नहीं कि सर इसमें से आपने ऐसा क्या चीज एक्स्ट्रा बताई है, ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपको इतना पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप कर लेते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट रहता है सर इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो इसकी यूनिट रहती है, इसकी यूनिट रहती है टीस्यू। यूनिट क्या रहती है भाई इसकी? टीस्यू। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सर टीस्यू। टीस्यू क्या होता है? टी स्टैंड फोर होता है ट्रू, T स्टैंड फोर होता है ट्रू, C स्टैंड फोर होता है कलर, एंड U स्टैंड फोर होता है आपके पास यूनिट। तो ये क्या हो गया? ट्रू कलर यूनिट। थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? C स्टैंड फोर हो गया आपके पास कलर, एंड U स्टैंड फोर हो गया आपके पास यूनिट। तो ये क्या बन गया? ट्रू कलर यूनिट। या तो हम इसको टीस्यू भी बोल सकते हैं और इसको हैजन यूनिट भी बोलते हैं। कौन सी यूनिट? हैजन यूनिट, ठीक है? यानी कि वन टीस्यू इज इक्वल टू वन हैजन यूनिट, ठीक है? किसने दिया था भाई इसको? इसको दिया था आपके हैजन साहब ने। किसने दिया था इसको? हैजन साहब ने दिया था। तो ये याद रखना है सर। वन टीस्यू इज इक्वल टू, तो वन टीस्यू का मतलब होता है यहां पे वन टीस्यू इज इक्वल टू, वन टीस्यू इज इक्वल टू कलर प्रोड्यूस्ड, कलर प्रोड्यूस्ड, कलर प्रोड्यू, वन टीस्यू इज इक्वल टू कलर प्रोड्यूस बाय वन मिलीग्राम पर लीटर, वन मिलीग्राम पर लीटर, वन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लेटिनियम, प्लेटिनियम इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो प्लेटिनियम आयन, क्लोरो प्लेटिनियम आयन। तो किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको? क्लोरो प्लेटिनियम आयन में मिलेगा। एक बात आपने ध्यान ऐड करना कि जो आप इसमें जो भी केमिकल ऐड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यहां पे एक स्केल में कन्वर्ट हो जाती है। तो केमिकल कौन सा यूज करेंगे हम यहां पे? क्लोरो प्लेटिनियम। तो क्लोरो प्लेटिनियम, इससे पहले आपके एग्जामों में देखा होगा कोबाल्ट प्लेटिनियम स्केल आता था, तो कोबाल्ट प्लेटिनियम भी होता है, ठीक है? बट अब आपको क्या याद रखना है? क्लोरो प्लेटिनियम आयन, ठीक है? इसको यूज करते हैं। जो सर यहां पे जो टेक्निक रहती है, टेक्निक का नाम है कलर मैचिंग टेक्निक। टेक्निक कौन सी है सर यहां पे? कलर मैचिंग टेक्निक। टेक्निक है सर आपके पास कलर मैचिंग टेक्निक, कलर मैचिंग टेक्निक। वहां पे कौन सी थी पीछे? वहां पे थी डाइल्यूशन टेक्निक। यहां पे आपके पास कलर मैचिंग टेक्निक। अब देखिएगा इसके लिए हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक रेफरेंस होता है, पहले से ही आपका ये बना होता है नेस्लर ट्यूब का, ठीक है? इस नेस्लर ट्यूब में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी होती है? 25 होती है। तो मैंने यहां पे नंबरिंग दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 15th, 25th तक। टोटल नंबर ऑफ नेस्लर ट्यूब कितनी रहती है यहां पे? यानी कि ये रहती है 25। कितनी रहती है? 25। अब जो यहां पे नेस्लर ट्यूब में जितना भी आपका जो ये होगा प्लेटिनियम होगा, प्लेटिनियम इस में कितना कितना प्लेटिनियम होगा मान लेते हैं, इसके अंदर 1 मिलीग्राम होगा, होता ही 1 है। इसमें 2 मिलीग्राम होता है, इसमें आपके पास 3 मिलीग्राम होता है, मतलब ये आपके पास इसकी कैपेसिटी होती है इनकी, एक एक लीटर इसमें वाटर होता है। इसमें कितना होता है? 1 लीटर आपके पास
वाटर होता है, एक लीटर वाटर यहां पे होगा, एक लीटर वहां पे होगा, एक यहां पे, तो मैंने इसका एक mg, एक mg क्या ऐड किया इसमें, प्लेटिनियम ऐड किया या क्लोरो कोबाल्ट भी बोल सकते हैं, एक, फिर दो ऐड किया, फिर तीन ऐड किया, फिर चार ऐड किया, फिर आपने पांच ऐड किया, ठीक है, mg का ऐड किया 5 मिलीग्राम, फिर मैंने 6 mg ऐड किया, उसी तरह से मैंने सर यहां पे 7 mg ऐड किया, 8 mg ऐड किया, ठीक है, और उसी तरह मैंने यहां पे 9 mg ऐड किया, ये पहले से ही बने होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है 11 mg, ठीक है, और यहां पे मैंने 12 mg और यहां पे दैट इज 13 mg, क्लियर है, उसी तरह से यहां पे आपके पास 14 mg, ये आपके पास 15 mg, ये आपके पास 16 mg और ये आपके पास 17 mg और ये आपके पास 18 mg, मतलब यहां पे मैंने 18 mg ऐड किया, ये आपके पास 19 mg, सॉरी ये तो हो गया आपके पास 18 mg सॉरी, और ये हो गया आपके पास 19 mg और ये हो गया 20 mg, यहां पे आएगा 17 mg, यहां पे ऐड किया मैंने सर 21 mg और यहां पे ऐड किया 21 mg, 22 मैंने नहीं ऐड किया भाई, पहले से ऐड है ये, ठीक है, 24 mg, mg, क्लियर है, तो यहां पे आपके पास ये पहले से एक नेस्लर ट्यूब है जिसके अंदर जिसकी कैपेसिटी है एक लीटर की, आपने इसमें एक लीटर आपका क्या है, एक लीटर का वाटर ऐड किया, और सभी ने वो भी कौन सा आपका प्योर वाटर, अब प्योर वाटर ऐड किया है सभी में एक एक लीटर, तो पहले आपने क्या किया कि एक आपके पास ये सैंपल था, टेस्ट सैंपल था, टेस्ट सैंपल को मैच करना है इन नेस्लर ट्यूब से आपने, ठीक है, तो नेस्लर ट्यूब में आपको बता देगा कि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है 1 मिलीग्राम, मतलब यहां पे 1 टीसीयू का मतलब क्या है, 1 टीसीयू का मतलब कलर प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनियम, कि 1 मिलीग्राम का कलर प्रोड्यूस हो रहा है कि 2 मिलीग्राम का प्रोड्यूस हो रहा है, 3, 4, 5, 6, तो आपको किसकी कंसंट्रेशन मिल जाएगी, यहां पे प्लेटिनियम की कंसंट्रेशन मिल जाएगी कि इतना कलर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये पहले से ही है, और मैंने यहां पे देखा तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक मैंने टेस्ट सैंपल लिया और टेस्ट सैंपल के कलर को मैच किया, तो कलर मेरा अगर एग के साथ मैच किया तो उसका टीसीयू कितना हुआ, 1 mg 1 ppm, ठीक है, यानी कि इसका 1 टीसीयू का मतलब है आपके पास 1 mg/L, 1 टीसीयू में मतलब 1 लीटर में कितना आपका कलर प्रोड्यूस हो रहा है 1 mg, ठीक है, उसी तरह से मैंने दूसरा फिर मैच किया कि सर ये किससे मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है, जब ये 2 से मैच किया तो कितना हुआ 2 mg, यानी कि 1 लीटर में कितना कलर प्रोड्यूस हो रहा है सर 2 mg, इसी तरह से किसी भी सैंपल से अगर वो मैच कर जाए तो आपका उतना कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो अगर आपका यहाँ पे 25 mg तक के कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 लीटर की, तो जो भी आपका वाटर मैच करेगा तो उतना कलर प्रोड्यूस होगा, तो यही मैंने लिखा है 1 टीसीयू इज इक्वल टू कलर प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ लीटर ऑफ प्लेटिनियम इन दी फॉर्म ऑफ, जो प्लेटिनियम होगा किसकी फॉर्म में होगा, क्लोरो प्लेटिनियम आयन, इससे पहले आप कोबाल्ट करते थे यूज, क्लोरो कोबाल्ट करते थे, बट अब यूज, अब जो नया एग्जाम आया है उसमें अब क्लोरो प्लेटिनियम यूज करने लग गए हैं, ठीक है, क्लोरो कोबाल्ट भी आप यहां पे रख सकते हैं, और ये बात याद रखना जो यहां पे स्केल, स्केल किसका यूज करेगा, जिस भी ये आप एक क्वालिटी में एक आपने देख लेना कि क्वालिटी पैरामीटर में जो भी आप केमिकल ऐड करते हो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा, मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लेटिनियम केमिकल्स डाला, ये क्लोरोप्लेटिनियम स्केल ही बन जाएगा, तो इसकी स्केल क्या हो जाएगी, क्लोरोप्लेटिनियम स्केल, ठीक है, या क्लोरोकोबाल्ट स्केल, क्लोरोकोबाल्ट पहले करते थे अब नहीं करते थे, ठीक है, तो दिस इज द कलर मैचिंग टेक्निक, अब इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक। आगे देखते हैं हम इसके डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, तो अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो इसका डिवाइस है टिंटोमीटर, क्या नाम है इसके डिवाइस का, टिंटोमीटर, दैट इज टिंटोमीटर, टिंटोमीटर। अब सर आती है इसकी बात यहां पे लिमिट की, कि सर इसकी लिमिट क्या होती है, तो लिमिट में आपने ध्यान रखना इसकी 2 लिमिट रहती है, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी रहनी चाहिए इसकी भाई, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहनी चाहिए, कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहनी चाहिए, जो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है वो रहनी चाहिए आपके पास 1 टीसीयू, 1 टीसीयू, कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहनी चाहिए इसके, पहले अगर पुराने कोड के, सॉरी 5 टीसीयू, एक्सेप्टेबल लिमिट है इसकी 5 टीसीयू, ठीक है, और यहां पे दो चीजें, दो वैल्यू आपको लर्न रखनी होगी,
ठीक है, और ये आपको देखना होगा कि कौन से कोड के हिसाब से इसने पूछा गया है। IS-10-500 इज 1991 के कोडिंग रहेगी इसकी 25 TCU, कितनी रहेगी 25 TCU रहेगी, कॉज फॉर रिजेक्शन। और आपके पास IS-10-500 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 2012 के हिसाब से रहेगी, दैट इज 15 TCU, कितनी रहेगी 15 TCU। तो स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, वहां पे 25 भी दे दिया और वहां पे आपके पास 20 भी दे दिया, तो ध्यान ये रहे कि उसने कौन सा कोड मेंशन किया है। अगर कोड मेंशन किया तो कोड के हिसाब से लगाना है आपको, ठीक है। बट जो ये वाली वैल्यू है, जो ये 5 TCU है, दोनों कोड के मुताबिक इन्होंने एक ही वैल्यू को मेंशन किया है। इसको आप चाहो तो पुराने कोड में देखो, यानी कि IS-10-500 इज 1991 में देखो, तब भी आपको 5 मिलेगी, एंड IS-10-500 आपके पास 2012 में भी आपको यही देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरह के डाटा से जो आपको काफी ज्यादा दिक्कत करते होंगे, ठीक है, बट अब नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी आपका अफेक्ट करता है केमिकली एंड बायोलॉजिकली रिएक्शंस को। तो यहां पे लिख देते हैं हम टेम्परेचर, इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकली एंड बायोलॉजिकली रिएक्शन एंड बायोलॉजिकली एक्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर इज इंक्रीज ईच एंड एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे, इंक्रीज 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो आपके पास वहां क्या हो जाता है, डबल दी रेट रिएक्शन। तो वहां पे क्या हो जाता है, देन डबल दी रेट रिएक्शन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डबल दी रेट रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि डबल द बायोलॉजिकली एक्टिविटी। तो ये भी लिख सकते हैं आप, डबल दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा सर, मतलब क्या हुआ, अगर सर यहां पे टेम्परेचर क्या हुआ आपके पास, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी होगी, K टाइम्स होगी। बट टेम्परेचर को अगर हमने 10 डिग्री और बढ़ा दिया, 20 की जगह 30 कर दिया, तो आपके पास बायोलॉजिकली एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी। उसी तरह से अगर सर टेम्परेचर हमने 40 किया तो 20 के बाद जो भी आप टेम्परेचर राइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2K था, अब कितनी हो जाएगी, 4K हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एवरी एंड ईच 10 डिग्री सेल्सियस होने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है जो आपको काफी बारी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट रहता है कि फॉर वाटर सप्लाई के लिए आपका कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 10 to 25 degree Celsius। तो ये भी लिख देते हैं हम, फॉर वाटर सप्लाई के लिए जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 10 to 25 degree Celsius रहना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्शनेबल सेल्सियस, तो इट इज ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि कितना टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए, 10 टू 25 डिग्री होना चाहिए। अगर यही टेम्परेचर आपका 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए ये कॉज क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ इसके बेसिक्स परमा हमने देखे हैं, इसके सारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं कि क्या क्या हमने स्टडी किया है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे अपने सस्पेंडेड सॉलिड की। सस्पेंडेड सॉलिड में मैं आपको यहां पे टोटल सॉलिड का कंसेप्ट बताऊंगा, उससे भी एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है डियर। तो ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।